क्या रेसलर्स की मांगे पूरी होनी चाहिए? आखिर ब्रिज भूषण शरण सिंह, जिसके ऊपर पॉस्को एक्ट के अंडर FIR भी रजिस्टर्ड है, उसे अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा? क्या ब्रिज भूषण शरण सिंह निर्दोष है? और ना जाने कितने ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हम सब लोग ढूंढने की ट्राई कर रहे हैं जब से रेसलर्स प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं। बट इन सब चीज़ों के सवाल के जवाब ना ही कोई आपको दे सकता है और ना ही कोई समझा सकता है। बट आज की इस वीडियो में हम ट्राई करेंगे पूरा सिनेरियो समझने के लिए कि आखिर चल क्या रहा है। हम इस वीडियो में दोनों तरफ से बात करेंगे और साथ ही में इस जानेंगे कि एक्चुअली में हुआ क्या है। बट इन सब चीज़ों के बारे में बात करने से पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर हमारे रेसलर्स प्रोटेस्ट पर क्यों गए हैं। तो ये जो सारा का सारा प्रोटेस्ट है, ये लिंक है ब्रिज भूषण शरण सिंह के साथ, जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं और साथ ही साथ BJP के एक MP भी हैं। ये UP के केसरगंज से कई बार इलेक्शन लड़ भी चुके हैं और जीत भी चुके हैं, और हालांकि ये प्रेजेंट टाइम पे वहाँ के MP हैं और ये बहुत बड़ी पॉलिटिकल फिगर भी हैं UP में। तो जनवरी में अप्रॉक्सीमेटली 7 लड़कियाँ, जिसमें एक माइनर लड़की भी थी, वो ब्रिज भूषण शरण सिंह पर मोलेस्टेशन के चार्जेस लगाती हैं। इन चार्जेस को ये लगने के बाद ब्रिज भूषण अपने डिफेंस में ये कहते हैं कि ये सारे के सारे इंजाम गलत हैं और अगर ऐसा सच निकले तो मुझे फांसी दे दी जाए। बट आगे चल के जनवरी में ही सारे के सारे जो रेसलर्स हैं, जिन्होंने कई बार इंडिया को गोल्ड मेडल से दिलवाए हैं कई ओलंपिक्स में, वो प्रोटेस्ट पर बैठ जाते हैं ब्रिज भूषण के खिलाफ। इस प्रोटेस्ट को लीड करने वाले जो मेन रेसलर थे, उनका नाम था बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट, जिन्होंने इस प्रोटेस्ट को फ्रंट फुट पर आकर फाइट करना शुरू कर दिया ब्रिज भूषण के खिलाफ। ये तीनों रेसलर्स जो इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे, वो आगे चलकर जनवरी में ही अनुराग ठाकुर से मिलते हैं, जो हमारे देश के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, और बाद में हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर के जरिए जब इन्हें आश्वासन दिया जाता है कि एक कमेटी फॉर्म की जाएगी जो इस मामले की जांच करेगी, तो ये लोग अपना प्रोटेस्ट बंद कर देते हैं जंतर मंतर से। और साथ ही में रेसलर्स का एक और इल्ज़ाम था विनोद तोमार पर, जो WFI के असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं। उनका इल्ज़ाम ये था कि विनोद तोमार रेसलर्स से ब्राइब्स लेते हैं और साथ ही साथ कई ज़्यादा फाइनेंशियल करप्शन में इन्वॉल्व हैं, जिसके कारण इन्हें इनकी पोस्ट से हटा दिया जाता है। और आगे चलकर एज प्रॉमिस्ड बाय अनुराग ठाकुर, एक कमेटी फॉर्म की जाती है जिसको लीड करती हैं मैरी कॉम, हमारे इंडिया की एक्स बॉक्सर, वो इस कमेटी को लीड करती हैं, जिसके बारे में हम आगे चल के इस वीडियो में बात करेंगे। बट आज की इस वीडियो में हम तीन चीज़ों के बारे में मेनली बात करने वाले हैं। आखिर ब्रिज भूषण शरण सिंह है कौन? सेकेंड, आखिर रेसलर्स की डिमांड क्या है? और थर्ड, क्या जो रेसलर्स प्रोटेस्ट है ये ओवरटेक कर लिया है दूसरे एजेंडास ने रेदर देन जो असली एजेंडास? तो कौन है ब्रिज भूषण? ब्रिज भूषण शरण सिंह, जो BJP के एक MP भी हैं और साथ ही साथ WFI के प्रेसिडेंट भी हैं। अगर इसके करियर की हम बात करें तो इनके ऊपर कई केसेस हो चुके हैं, तो चाहे वो बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन का केस हो या फिर टाडा लगना दाऊद इब्राहिम के गुंडों को छुपाने के लिए। और ललन टॉप को दिए गए एक इंटरव्यू में इन्होंने कबूल भी किया है कि आज तक इन्होंने एक मर्डर भी करा है, और आज तक इनके ऊपर अप्रॉक्सीमेटली 38 केसेस भी रजिस्टर्ड हो चुके हैं। और ऐसा माना भी जाता है कि ब्रिज भूषण शरण सिंह का काफ़ी होल्ड अपने एरिया में, और इनको किसी भी पार्टी की ज़रूरत नहीं है इलेक्शन लड़ने के लिए। शायद इसीलिए जब ये जेल में थे तो इनकी बीवी ने इनके पीछे से इलेक्शन लड़ा और जीता भी उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से। तो इन शॉर्ट, पॉलिटिकल बैकग्राउंड होने के साथ ही ब्रिज भूषण का काफ़ी अच्छा होल था अपने एरिया में। शायद इसीलिए ब्रिज भूषण अपने एरिया में कई कुश्ती के प्रोग्राम भी आयोजित करता है, और कई बार इसकी वीडियो भी एक वायरल हो चुकी है जिसमें दिखता है कि एक जूनियर रेसलर को स्टेज के ऊपर थप्पड़ मार रहा था। अब ब्रिज भूषण ने इस पूरे रेसलर प्रोटेस्ट के लिए ये कहा है कि अगर एलिगेशन सच हो साबित होती हैं तो मुझे फांसी दे दो। इंडिया में शायद से पॉलिटिशियंस का क्रिमिनल बैकग्राउंड होना ज़रूरी हो गया है, शायद इसीलिए आज के टाइम पर मैक्सिमम पॉलिटिशियंस जो हैं वो क्रिमिनल चार्जेस फेस कर चुके हैं। और इस बारे में मैंने रिसेंटली अपनी एक वीडियो में भी बात करी थी। तो इसका मतलब ये है कि हमारे रेसलर्स का प्रोटेस्ट एक ऐसे स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल फिगर के खिलाफ था जो हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी बोलने से पीछे नहीं हटता था और उत्तर प्रदेश के CM को भी ओपनली ऑर्डर दे देता था किसी की भी एंट्री को मना करने के लिए। शायद इसीलिए उसने उत्तर प्रदेश के CM को मना कर दिया था राज ठाकरे की एंट्री से UP में,
जब तक वो नॉर्थ इंडियन से माफ़ी नहीं मांगता। अब इन सब चीज़ों को देखने के बाद काफ़ी लोग ये बोलेंगे कि इसने पक्का मॉलेस्टेशन करी होगी। बट इन सब चीज़ों को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि WFI की वर्किंग ब्रिजभूषण के अंदर कैसे। अब ब्रिजभूषण की मोनोपोली आप इसी चीज़ से समझ सकते हैं कि चाहे वो थर्ड टाइम WFI का प्रेसिडेंट बनना हो या फिर बाकी सारे के सारे पोस्ट पर उन्हीं के लिंक के लोगों का होना, ये सब में ब्रिजभूषण की मोनोपोली थी। तो रिसेंटली ब्रिजभूषण ने कुछ नई पॉलिसीज लाई थी WFI में जो हम सब लोगों को समझ लेने चाहिए। तो पहले क्या होता था कि जो भी रेसलर इंडिया को पहले रिप्रेजेंट कर चुका है ओलंपिक्स में, उसको नेक्स्ट ओलंपिक्स में डायरेक्ट एंट्री मिल जाती थी। बट इस चीज़ को रोक लगा के अब ऐसा कर दिया गया था कि जिसको भी ओलंपिक्स में एंटर होना है पहले उसे ट्रायल देने पड़ेंगे नेशनल लेवल पर, जो रिसेंटली चेंज किया गया था, जिसके कारण आई गेस इंडिया को मेडल जीतने में काफ़ी आसानी होने वाली थी आगे चल के। और दूसरे नंबर पर ब्रिजभूषण ने एक और बड़ा फैसला किया था कि हर बार जितने भी रेसलर्स इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं वो मैक्सिमम हरियाणा से निकलते हैं और बाकी इंडिया का टैलेंट थरा का थरा रह जाता है। इस चीज़ के लिए उसने डिफरेंट स्टेट बॉडीज और डिस्ट्रिक्ट बॉडीज बनाई जो छोटी छोटी डिस्ट्रिक्ट के टैलेंट को आगे लाने की ट्राई करेंगे और एट द एंड द बेस्ट ही इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा ओलंपिक्स में। और इस साल दो और मेजर चीज़ें होने वाली थी, जैसे कि एक तो इस बार WFI के प्रेसिडेंट के इलेक्शन होने वाले थे 2023 में, जिसमें इस बार ब्रिजभूषण पार्ट नहीं ले सकते थे क्योंकि वो तीन बार ऑलरेडी WFI के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। तो इस बार प्रेसिडेंट कौन बनने वाला था WFI का। और दूसरा, जर्मनी में एक स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम होने वाली है 17 जून और 25 जून के बीच में। तो क्या हमारे रेसलर्स इस ओलंपिक्स के लिए रेडी नहीं थे, या फिर क्या हमारे रेसलर्स अपना कोई प्रेसिडेंट इलेक्ट करना चाहते थे WFI? जैसे मैंने आप सब लोगों को पहले कहा कि सवाल काफ़ी हैं पर जवाब, तो इस चीज़ का सवाल आप खुद से पूछिएगा कि क्या ऐसा है। तो इस कहानी का दूसरा चैप्टर ये है कि आखिर रेसलर्स की डिमांड क्या है। हमारे देश का कोई भी रेसलर हो या कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन हो, उसने हमेशा ही हमारे देश का नाम रोशन किया है। और जब वो किसी भी कंपटीशन में कोई भी मेडल या फिर पुरस्कार जीतते हैं तो उनसे पहले वो हमारे देश का सम्मान है। तो क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इन रेसलर्स की डिमांड सुनने चाहिए या नहीं? इस चीज़ के बारे में बात करने से पहले हम कुछ चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। तो जनवरी में जब रेसलर्स को अश्योरेंस मिलता है कि इसके ऊपर एक कमेटी फॉर्म की जाएगी, तो रेसलर्स अपना प्रोटेस्ट बंद कर देते हैं। बट एट द एंड जब अप्रैल तक कोई भी सुनवाई नहीं होती इस टॉपिक के ऊपर, तो ये लोग वापस 23 अप्रैल को प्रोटेस्ट पर बैठ जाते हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर। बट इस टाइम सुप्रीम कोर्ट दिल्ली पुलिस को डायरेक्ट करता है FIR रजिस्टर करने के लिए ब्रिजभूषण शरण सिंह के ऊपर, जिस ऑर्डर को फॉलो करते हुए दिल्ली पुलिस ब्रिजभूषण के ऊपर 2 FIR रजिस्टर करते हैं। पहली FIR पॉस्को एक्ट के अंदर रजिस्टर की जाती है और दूसरी वाली सेम ग्राउंड्स के ऊपर एडल्ट फीमेल रेसलर्स को लेकर रजिस्टर की जाती है। रेसलर्स की डिमांड इस चीज़ को लेकर ये है कि ब्रिजभूषण को डायरेक्टली जेल कर दी जाए, या फिर कोई इंडियन गवर्नमेंट का हाई ऑफिशियल जैसे कि प्राइम मिनिस्टर या तो होम मिनिस्टर इस चीज़ में डायरेक्टली इंटरफेयर करे और इन लड़कियों का बयान उनके सामने रिकॉर्ड किया जाए। अभी तक आप लोग ब्रिजभूषण की पावर तो समझ ही गए होंगे शायद से, इसीलिए इन लड़कियों की आइडेंटिटी अभी तक डिस्क्लोज नहीं की गई। और दूसरी डिमांड रेसलर्स की ये है कि WFI को डिसॉल्व कर दिया जाए, जो कि टेक्निकली इम्पॉसिबल है क्योंकि 140 करोड़ के देश में टैलेंट को ढूंढना और मैनेज करना सोली इम्पॉसिबल है, और साथ ही में बिना किसी ट्रायल के कंडक्ट किए बिना किसी को भी सज़ा देना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। बट रेसलर्स का पॉइंट भी वैलिड है कि जब हम लोग जीत कर आते हैं तो सब लोग कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और आज के टाइम पर कोई भी हमारी सुनवाई नहीं कर रहा। बट इस चीज़ में इंटरवीन करते हुए जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कमेटी बनाई गई थी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को कंसीडर करके, उस कमेटी की रिपोर्ट का क्या? तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से जो कमेटी फॉर्म की गई थी उसको लीड कर रही थी हमारे इंडिया की एक्स बॉक्सर मैरी कॉम, और पहले ये प्रॉमिस किया गया था कि इस कमेटी की जो भी रिपोर्ट होगी उसे पब्लिकली रिलीज किया जाएगा ऑनलाइन, बट ऐसा हुआ नहीं। अगर हम कुछ न्यूज़पेपर्स की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग सारा का सारा जो पैनल था इस कमेटी का वो रेसलर्स के सपोर्ट में था।
और जब इस कमेटी ने रिपोर्ट फॉर्म की गई तो एट द एंड जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने इस रिपोर्ट को ऑनलाइन रिलीज करने से मना कर दिया, ये बोल के कि अब काफ़ी टाइम हो गया है और ना ही उस रिपोर्ट को आज तक किसी के साथ पब्लिकली शेयर किया गया है। तो उस रिपोर्ट का क्या डिसीजन था वो आज तक किसी को नहीं पता। तीसरा चैप्टर इस कहानी का ये है कि क्या इस प्रोटेस्ट को ओवरटेक कर लिया था कुछ और एजेंडास ने। रेसलर्स जो स्टार्टिंग से प्रोटेस्ट कर रहे थे बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ और डिमांड कर रहे थे उसका अरेस्ट, अब वो इंडिया के लोगों से और बाहर के लोगों से भी रिक्वेस्ट कर रहे थे उनकी मदद करने की। आई थिंक जो एक वैलिड पॉइंट भी है, बट ऐसा करने के बाद ही कुछ पॉलिटिकल पार्टीज और कुछ किसान नेता इन्हें विजिट करते हैं और इन किसान नेता में राकेश टकैत भी था। जी हाँ, वही राकेश टकैत जो फार्म लॉ के प्रोटेस्ट के दौरान भी बढ़ चढ़ कर आगे आया था और अब इस पोडियम को गवर्नमेंट के खिलाफ यूज करने लग पड़ा था। इस प्रोटेस्ट में अब आरएसएस से आज़ादी से लेकर ब्राह्मणवाद से आज़ादी तक के नारे लगना शुरू हो गए थे। तो क्या ये प्रोटेस्ट अभी भी बृजभूषण के खिलाफ था या मोलेस्टेशन के खिलाफ था या फिर इसका एजेंडा चेंज हो गया था? क्योंकि इस टाइम इंडिया में G20 की कई मीटिंग्स हो रही हैं और सब देशों की नज़र इस टाइम इंडिया पर है। तो क्या ये प्रोटेस्ट अब इंडियन गवर्नमेंट को वीक शो करने के लिए था या हमारे देश को वीक शो करने के लिए था? बट बात सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकती है, बल्कि अब रेसलर्स के जरिए दो कमेटीज फॉर्म की जाती है। पहली कमेटी वो फॉर्म की जाती है जिसमें खब पंचायत के मेंबर्स को भी इंक्लूड किया जाता है और ये 31 मेंबर्स की एक कमेटी फॉर्म की जाती है जो इस प्रोटेस्ट का फ्यूचर डिसाइड करने वाली है। और दूसरी कमेटी 9 रेसलर्स की फॉर्म की जाती है जो रेसलिंग को लेकर इनका फ्यूचर डिसाइड करने वाले थे। आई थिंक इंडियन गवर्नमेंट को रेसलर्स की डिमांड को सुनना चाहिए, बट इन सब लोगों की एंट्री होना इस प्रोटेस्ट में इस प्रोटेस्ट को सिर्फ वीक करेगी, क्योंकि अब इस प्रोटेस्ट में मोलेस्टेशन और बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ नारे लगने के बजाय इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ नारे लग रहे थे, ब्राह्मणवाद के खिलाफ नारे लग रहे थे, आज़ादी के नारे लग रहे थे। एट द एंड मैं इस वीडियो से सिर्फ ये कंक्लूड करना चाहता हूँ कि आज के इस मॉडर्न एरा में अगर हमने एक हेयर ऑयल भी लेना हो तो हम उसके ऊपर पहले प्रॉपर रिसर्च करते हैं फिर हम लेते हैं। तो क्या हम सिर्फ एक इंस्टाग्राम की रील देख के किसी भी साइट को सपोर्ट क्यों करते हैं? क्या हम किसी भी साइट को सपोर्ट करने से पहले उसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च करते हैं या नहीं? मेरी रिक्वेस्ट है इंडियन गवर्नमेंट से कि रेसलर्स की डिमांड को एक बार सुना जाए और मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि किसी भी साइट को सपोर्ट करने से पहले प्रॉपर रिसर्च कीजिए, ना कि किसी पोस्ट को या किसी वीडियो को देख के किसी भी साइट को चूज कीजिए, क्योंकि हर एक चीज़ के दो फेस होते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।